नेक्स्ट वन इज द एग्जांपल बेस्ड ऑन डबल पॉइंटर्स। इस केस में जस्ट थ्री वेरिएबल डिफाइन हुए, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल पी एंड वेरिएबल डबल पी। पी के केस में टाइप किया जस्ट सिंपल पॉइंटर, जबकि डबल पी का टाइप किया जाए डबल पॉइंटर, बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग डबल एस्ट्रिक्स। फर्स्ट वन, सबसे पहले परफॉर्म कराएंगे मेमोरी एलोकेशन फॉर वेरिएबल एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का एड्रेस में एज्यूम कर रहा हूँ इज अ 100। इस लोकेशन का अदर लॉजिकल नेम क्या हुआ, स्टार 100। स्टार के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, स्टार ओनली अप्लाई किसके लिए करूँ, ओनली फॉर मेमोरी एड्रेसेस। जैसे किसी एड्रेस के साथ स्टार अप्लाई करते हैं, इस ऑपरेटर से रिटर्न किया हुआ वैल्यू ऑफ दैट लोकेशन। जैसे अगर आप स्टार के साथ 100 के साथ स्टार अप्लाई करते हैं, ये वैल्यू किस प्लेस का रिटर्न करेगा, वैल्यू ऑफ लोकेशन 100। नेक्स्ट में सेकेंड केस में डिक्लेयर किया वेरिएबल पी। वेरिएबल पी के रिस्पेक्ट मत करें, पी के इस केस में सिंपल पॉइंटर वेरिएबल। देन इसका एड्रेस में एज्यूम कर रहा है 98, लेकिन पी के केस में असाइन क्या हुआ है, प्लस इसका अदर नेम क्या हुआ, स्टार 98। स्टार 98 सिमिलर टू पी, एक्स इज सिमिलर टू स्टार 100। पी के केस में असाइन किया एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स का एड्रेस कितना है 100। देन पी इस लोकेशन में लोकेशन 100 को पॉइंट करेगा, इसलिए इसका एक और नेम क्या क्रिएट हो जाएगा, स्टार पी, क्योंकि पी के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ 100। क्लियर, इसलिए स्टार पी और स्टार 100 दोनों केस हैं एग्जैक्टली सेम केस। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, डबल पी। डबल पी इज अ डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर के केस में जस्ट मैं इसका एड्रेस एज्यूम कर रहा है 96, देन वेरिएबल नेम इज डबल पी, इसका आधार नेम क्या हुआ स्टार 96, लेकिन डबल पी में साइन क्या कर रहा है, एड्रेस ऑफ पी और पी का एड्रेस क्या है 98। डबल पॉइंटर के केस में हमेशा थ्री लोकेशन क्रिएट होंगे, पी पी, स्टार पी पी, स्टार स्टार पी पी। सबसे पहले फाइंड आउट करें व्हाट इज द लोकेशन स्टार पी पी। पी पी के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ पी पी विच इज 98। इट इज सिमिलर टू स्टार 98, मीन जिस लोकेशन का नेम स्टार 98 है उसी का अदर नेम क्या हुआ, स्टार पी पी, इन दैट प्लेस स्टार पी पी, इस स्टार पी पी इज सिमिलर टू पी। क्लियर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज स्टार स्टार पी पी। आपको ऑलरेडी पता है इस केस में स्टार पी पी का इक्विवेलेंट केस क्या था, स्टार 98, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टार स्टार पी पी के प्लेस पर क्या जाएगा 98। देन जब फर्स्ट स्टार 98 के लिए अप्लाई करो तो नहीं रिटर्न क्या करेगा, वैल्यू ऑफ स्टार 98। स्टार 98 में वैल्यू क्या स्टोर है 100, इट इज इक्विवेलेंट टू स्टार 100। स्टार स्टार पी पी इज इक्विवेलेंट टू स्टार 100, मीन्स जिस लोकेशन का नेम स्टार 100 है उसी का एक और नेम क्या हुआ, स्टार स्टार पी पी। फाइनली एक्स के केस में या 100 लोकेशन के एक्सेस करने के टोटल वे कितने, 3, यूजिंग एक्स, यूजिंग स्टार पी, यूजिंग स्टार स्टार पी पी। नेक्स्ट वन, एक्स प्लस प्लस। एक्स प्लस प्लस होगा तो एक्स में इंक्रीमेंट होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ये चेक करो इनडायरेक्टली जब चेंजेस किस में किए, एक्स में इनडायरेक्टली चेंजेस किस में हो रहा है, स्टार पी एज वेल एज स्टार स्टार पी पी। नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट किसके थ्रू कराया, स्टार पी में। स्टार पी में जब 1 से इंक्रीमेंट होगा तो स्टार पी का करंट वैल्यू क्या है 2, इंक्रीमेंट होने के बाद जस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 3। मीन्स इनडायरेक्टली चेंज किस में हो रहा है, एक्स ऑल्सो स्टार स्टार पी पी, क्योंकि एक ही लोकेशन के 3 वे हैं और 3 नेम्स हैं। नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, स्टार स्टार पी पी में। जब इंक्रीमेंट स्टार स्टार पी पी में करोगे तो इसका भी वैल्यू क्या है 3, इंक्रीमेंट होने के बाद फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा इस लोकेशन का 4। तो फाइनली करंटली एक्स का वैल्यू क्या है अभी 4, स्टार पी का भी वैल्यू क्या है ऑल्सो 4, और स्टार स्टार पी पी का भी वैल्यू क्या है ऑल्सो 4। दिस द आउट ऑफ दिस कोड।